उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध और माफियाओं की वजह से बदनाम था, एनसीआरबी के आंकड़ों में हमेशा नंबर एक पर रहता था, आज वही उत्तर प्रदेश काफी हद तक बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में आज आम जन नहीं बल्कि बड़े से बड़ा अपराधी खौफ के साए में जी रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मार्च 2017 में योगी बाबा ने पहली बार सूबे की कमान संभाली थी और तब से ही अपराध और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, जो आज दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन चुके हैं। यूपी के अपराधियों में बाबा के खौफ का आलम ये है कि वो अपनी जान बचाने के लिए या तो अपराध छोड़ गए या फिर यूपी छोड़ गए। हाल ही में सुपुर्दे खाक हुआ मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अशरफ का एनकाउंटर इस बात के सबसे बड़े सबूत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यूपी में आज महिलाएं बेखौफ बेधड़क होकर घूम सकती हैं। कारोबारियों का कारोबार फल फूल रहा है, युवा प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, किसान तरक्की कर रहा है, रंगदारी अपहरण जैसे मामले ना के बराबर हैं, माफियाओं का खात्मा हो चुका है करीब करीब। ये सब हुआ है पिछले 7 सालों में, क्योंकि पिछले 7 सालों में प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसकी अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। पिछले 7 सालों में अपराध नहीं अपराधियों का ही सफाया कर दिया गया है। इसकी वजह है प्रदेश की योगी सरकार, जो पिछले महीने ही सफलतापूर्वक अपने 7 साल पूरे कर चुकी है। इन 7 सालों में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं जिन्हें आज दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। फैसला नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर। साल 2017 में सत्ता में आते ही योगी बाबा के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना, क्योंकि उस वक्त यूपी में अपराध चरम पर था। डॉन माफियाओं के नाम से ही पुलिस प्रशासन की हालत खराब होती थी, लेकिन अब मामला उलट चुका है। आज पुलिस के खौफ से अपराधी यूपी छोड़ने को मजबूर है। योगी ने सीएम बनते ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सख्त कदम उठाए। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2024 तक 7 सालों में करीब 11,000 एनकाउंटर किए गए हैं। इनमें 194 अपराधी मारे गए और 6,000 से ज्यादा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बताते हैं कि सीएम योगी की सख्ती से गैंग वॉर, सामूहिक हत्याएं, डकैती की घटनाएं कम हुई है। कई बड़े अपराधी मारे गए और काफी सालों में पहली बार हुआ है जब अपराधियों को कानून से डर लगने लगा है। फैसला नंबर 2, लव जिहाद। पिछले कुछ सालों में यूपी में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़े थे। इसके तहत मुस्लिम युवक हिंदू सिख या दूसरे धर्म की लड़कियों को बरगला कर उनसे शादी कर लेते थे। ऐसे ज्यादातर मामलों में युवक अपना नाम और धर्म गलत बताकर दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाते फिर उनसे शादी कर लेते थे। दावा किया जाता है कि इस काम के लिए उन्हें लाखों रुपए इनाम भी दिया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए 24 नवंबर 2020 को इसके खिलाफ कानून बनाया। कानून बनने के बाद से अब तक करीब 1,000 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। करीब 200 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने माना कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। योगी सरकार का ये फैसला 7 राज्यों की सरकारों को इतना पसंद आया कि उन्होंने भी इसे कॉपी कर लिया और अब इस कानून को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा और झारखंड की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में लागू कर दिया है। लेकिन कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जो लव जिहाद कानून का विरोध कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा कि सरकार एक तरफ अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह को सही बता रही है और वहीं दूसरी तरफ इस तरह का कानून बना रही है जो कि गलत है। वहीं उलेमा ए हिंद समेत कई मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए थे, लेकिन योगी सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। फैसला नंबर 3, लाउडस्पीकर पर एक्शन। साल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मोतीलाल नाम के एक वकील ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक याचिका दायर की थी। उन्होंने साल 2000 में बनाए गए ध्वनि प्रदूषण के नियमों के तहत इस पर सख्ती से कार्रवाई की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने 2022 में यूपी सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद योगी जी ने अधिकारियों को सख्ती करने का आदेश दिया और एक हफ्ते के अंदर 4,000 से ज्यादा धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। योगी सरकार के सेक्शन से अलीगढ़, अमरोहा, बरेली, सहारनपुर समेत कई जगहों पर मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए।
उन्होंने सरकार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद भी कई धार्मिक स्थानों और मौलवियों से गुजारिश करके लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी या फिर उन्हें हटवा दिया था। फैसला नंबर 4, बुलडोजर एक्शन। योगी सरकार बनने के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चे में कोई फैसला रहा तो वो है बुलडोजर एक्शन, जो अब यूपी में राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुका है और यूपी के बाद एमपी, गुजरात और दिल्ली की सरकारों ने इसे कॉपी कर लिया है। यूपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 4 जुलाई 2020 को हुई थी, जब कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी अवैध संपत्तियों और घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। विकास दुबे के बाद यूपी के तमाम नामी माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा समेत कई गैंगस्टर्स पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और उनकी अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिला दिया गया। योगी बाबा का फॉर्मूला ऐसा हिट हुआ कि बच्चों के खिलौने से लेकर होली की पिचकारी तक में बुलडोजर मॉडल की डिमांड बढ़ गई। योगी को इसके बाद से बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाया जाने लगा। हालांकि योगी बाबा के इस फैसले को विपक्षी दल और कई संगठन हिटलर शाही फैसला बताते रहे हैं, लेकिन अपराधियों की कमर तोड़ने वाला ये फैसला देश की जनता को बेहद पसंद आया। अब बात करते हैं फैसला नंबर 5 की, गौवध पर कानून। सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारे देश में गौ को गौ माता का दर्जा दिया गया है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए गोवध करने तक से गुरेज नहीं करते। लेकिन योगी सरकार बनते ही गोवध और अवैध स्लॉटर हाउस पर शिकंजा कसा गया। पशुपालन विभाग की माने तो 2015-16 में यूपी ने करीब करीब 5.5 लाख टन भैंस के मांस का निर्यात किया था। उस समय मांस का सालाना कारोबार 26,685 करोड़ रुपए था। यूपी में पहली बार गोवध निवारण अधिनियम कानून साल 1955 में बना था, लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 2002 तक इसमें 6 बार बदलाव भी किए गए, फिर भी गोवध के मामलों में कमी नहीं आई। इसी वजह से योगी सरकार ने अपनी सरकार आने के बाद साल 2020 में इस कानून को सख्त किया और अवैध स्लॉटर हाउस, गौ तस्करी और गोवध पर शिकंजा कसा गया। इसके बाद से कम यूपी में तो मीट का अवैध कारोबार लगभग बंद हो गया। यकीनन पिछले 7 सालों में जिस तरह से योगी सरकार ने ये बड़े फैसले लिए हैं, वो आज दूसरे राज्यों में भी मिसाल बन गए हैं और कॉपी भी किए जा रहे हैं। आज योगी सरकार के एक्शन पर विदेशों में भी चर्चे किए जाते हैं, जो उन्हें अपने आप में बेहद खास बनाते हैं। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।